गुड मॉर्निंग बच्चों, वी आर स्टडिंग द चैप्टर ऑफ हिस्ट्री दैट्स नेम ही सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो हम पढ़ चुके हैं आगे कि कैसे यूरोप में जो सोशलिज्म था उसका फाउंडेशन हुआ, कैसे वहाँ पर वो आया। उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से कारण थे जिनके वजह से वो रिवॉल्यूशन हुआ, और कैसे जो रशिया था उसमें सोशलिज्म की स्थापना हुई, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, और पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि व्हाट चेंजेज आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन, यानी अक्टूबर जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद कौन कौन से चेंजेज आए रशिया में, ठीक है, और वर्ल्ड में। हमने ये पढ़ लिया था कि बोल्शेविक थे, उनके हाथ में पावर आ गई थी, उन्होंने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया था, बैंकों को नेशनलाइज कर दिया था, ठीक है, बड़े बड़े जो कॉमेंटन बना दिए थे, यानी बड़े बड़े जो लैंड थी उन पर जो लैंड ओनर्स थे बड़े बड़े, तो उनकी ज़मीन को छीन कर किसानों में बांट दी थी, ठीक है। बहुत सारी पार्टियां बनने लगी थी, कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगी थी। इसके बाद उसमें सिविल वॉर हो गया था, जो बोल्शेविक थे वो चाहते थे कि सोशलिज्म की फाउंडेशन की जाए, किसान बड़े किसानों से खेती छीन कर छोटे किसानों में बांटी जाए, इंडस्ट्री है उसका प्रॉफिट वर्कर्स को भी दिया जाए। लेकिन जो ग्रीन्स थे, ठीक है, जो दूसरे जो थे वाइट्स थे, ठीक है, वो ये मना करना चाहते थे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक थे वो इसको विरोध कर रहे थे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। तो इस तरह से उनमें घरेलू गृह वॉर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है अब आएगा मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, कि समाजवादी जो समाज था उसकी स्थापना कैसे हुई। फिर कि सिविल वॉर के दौरान भी जो बोल्शेविक थे उन्होंने जारी रखा इंडस्ट्री और बैंकों को नेशनलाइज कर रहे थे, और जो इंडस्ट्री थी उनको अपने कब्जे में ले रहे थे, ठीक है। उन्होंने किसानों को भी परमिट दे रखी थी, छूट दे रखी थी कि वो जो सोशलाइज जो लैंड है उस पर कल्टिवेशन करते रहे, ठीक है। इसके बाद वो ये दिखाना चाहते थे कि जो छीनी हुई जो ज़मीन है, ठीक है, कन्फिस्केटेड जो ज़मीन है उस पर कैसे एक डेमोंस्ट्रेटिव तरीके से, कलेक्टिव तरीके से काम किया जा सकता है, यानी एक तरह से सामूहिकता दिखाई जा सकती है। जो सेंट्रलाइज प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, ऑफिशियल थे वो इकोनॉमी पर ध्यान रख रहे थे, टारगेटेड प्लान बना रहे थे, उन्होंने एक 5 साल पीरियड का, मतलब 5 ईयर्स पीरियड का एक प्लान बनाया कि हमें इस 5 साल के दौरान हमें क्या क्या करना है। हमारे इंडिया में भी इससे पहले ये 5 ईयर प्लान बनते थे, हर 5 साल के लिए प्लान बनाया जाता था कि हमें कौन कौन से टारगेट अचीव करने हैं और कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, ये एवरीथिंग पहले से प्लान किया जाता था। अभी पिछली जो अभी तक इंडिया में हमारे में 12 5 ईयर प्लान हो चुके थे, और 2014 में आने के बाद जो BJP गवर्नमेंट आई उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो ये सब शुरुआत रशिया में हुई थी, सबसे पहले रशिया ने ही 5 ईयर प्लान बनाए थे, और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि सभी इंडस्ट्रियल जो प्राइस थे उनको फिक्स कर दिया गया, ताकि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो उसको बढ़ाया जा सके, इंडस्ट्री का जो सामान बनाने की जो प्रोसेस है उसको बढ़ाया जा सके। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने दो प्लान बनाए थे, एक 1927 से 1932 से और दूसरा 1933 से 1938 तक। इन जो प्लान उन्होंने बनाया था इसमें क्या हुआ कि इंडस्ट्री जो ग्रोथ थी वो एकदम से इंक्रीज होकर 100% हो गई, जिसमें ऑयल है, कोल है, स्टील है, ठीक है, नई नई फैक्ट्री बनाई गई। लेकिन ये जो तेज़ी से जो इंस्ट्रक्शन हो रहा था इसकी वजह से क्या थी, जो गरीब जो वर्कर्स थे उनकी हालत और ख़राब होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन था वो बड़ी तेज़ी से हो रहा था, जैसे एक
सिटी मैग्निटोगोर्स्क है, वहाँ पर एक स्टील प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा था और उस वो 3 साल में अचीव कर दिया। यानी इतना बड़ा प्लांट था उन्होंने, स्टील प्लांट, उसको 3 साल में बना लिया। और इसकी वजह से जो वहाँ के वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी इतनी हार्ड थी कि वो काम 550 बार रुका, यानी 550 टाइम्स वो काम उनका रुका। क्यों रुका? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री से बिलो था और जो वर्कर्स थे उनके जो क्वार्टर्स थे वो 4th फ्लोर पे, मान लो किसी का है, और वो 4th फ्लोर पर मान लो टॉयलेट जाने के लिए उसको नीचे उतरना पड़ता, रोड को क्रॉस करने के बाद उनके टॉयलेट होते थे, ठीक है। तो इतना उनके साथ दिक्कत होती थी। इसके बाद क्या हुआ, रशिया में बहुत सारे स्कूल यूनिवर्सिटी बनाई गई ताकि जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, किसान हैं, उनको उनमें एडमिशन दिया गया, ठीक है। और इसके बाद जो क्रैच बनाए गए, क्रैचेज में क्या होता था कि जो वर्कर्स वुमेन होती थी फैक्ट्री में जो काम करती थी वो अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ सके, ठीक है। सस्ती हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई, नए मॉडल क्वार्टर बनाए गए के वर्कर्स के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो सारे जो इफ़ेक्ट था ये पूरे रशिया पे एक जैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि जो उनके गवर्नमेंट रिसोर्स थे वो लिमिटेड थे, यानी हर जगह वो रिसोर्स नहीं।